हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं डीसीपी ऑफिस में, जहां पर नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की पॉलिटिशियन है, उन्होंने पिछले दिनों कुछ नाजेबा कलिमात कहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखी की है, उनके खिलाफ़ कुछ बयानबाजी की है, उसको लेकर भिवंडी के उलमाओं और भिवंडी शहर की मस्जिदों के ट्रस्टी सभी ने मिलकर आज यहाँ पर उनके खिलाफ़ FIR की मांग की और FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, अभी आज हम ये तमाम हजरात यहाँ पर हाजिर हैं, दारुल क़ज़ा बोर्ड शहर भिवंडी, अल हशमत एजुकेशनल ट्रस्ट रज़ा नगर भिवंडी, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा भिवंडी, या रसूलल्लाह मस्जिद ट्रस्ट, रज़ा एकेडमी भिवंडी, ये तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ हम मौजूद हैं। हम लोग आए थे दरअसल DCP साहब के यहाँ एक अर्ज़ी देने के लिए। गुज़श्ता कुछ दिन कबल नुपुर शर्मा BJP की वर्कर जो है, उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शान में बहुत ही नासेबा और गंदे कलिमात उसने कहे और बहुत ही बेकार जुमले उसने कहे, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। उसके अलावा अभी चंद दिन कबल सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हा के आस्थाने से मुतालिक महाराजा प्रताप सेना, उसने भी कुछ ऐसे जुमले कहे। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ शहर भिवंडी DCP साहब के हम लोग आए थे अर्ज़ी देने के लिए कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से कभी भी कोई भी सस्ती शोहरत के लिए खड़ा होता है और किसी भी ज़ात से मुतालिक, मज़हब इस्लाम से मुतालिक, पैगंबर से मुतालिक, साहबा से मुतालिक, उम्मातुल मोमिनीन से मुतालिक, इस तरह से उल्टी सीधी बातें करता है, उसको ऐसा लगता है कि इस तरह से हम बातें कहेंगे तो हमको शोहरत मिलेगी। सस्ती शोहरत के लिए लोग इस तरह से हरकत करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं DCP साहब के कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से हमारी सारी बातें सुनी। उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया कि ये बात सुनने के बाद मुझे ख़ुद से बहुत तकलीफ़ हुई, ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा से मुतालिक, हुजूर अली सलाम से मुतालिक, उन्होंने कहा मुझे भी तकलीफ़ हुई। और हमने उनसे कहा कि सर, हम लोग कभी भी शहर का माहौल संजीदा और शांति ही बनाए रखते हैं, कभी भी हमने कानून के दायरे में ही पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाकात की है, हम चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पब्लिक, हम ये चाहते हैं कि पब्लिक ये मैटर अपने हाथ में ना ले, वरना शहर का माहौल ख़राब होगा तो फिर हम लोग भी उससे मजबूर हो जाएंगे फिर, और अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम खुद कानून के दायरे में आकर के कुछ और कदम उठाने पर मजबूर होंगे। DCP साहब ने बहुत ही इत्मीनान दिलाया कि आप इत्मीनान रखें, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और बल्कि फ़ौरन उन्होंने जो है ना फ़ोन किया, ACP साहब को फ़ोन किया और उन्होंने आर्डर जारी किया कि ये हजरात हमारे यहाँ आए हैं, यहाँ पर इनका जो भी मामला है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कंप्लेन इनकी लिखी जाए तो FIR दर्ज हो। हाँ, बहुत इत्मीनान दिलाया उन्होंने, फ़ौरन उन्होंने आर्डर कर दिया हम लोग के सामने ही। अभी आपने हमारे नायब कादी शहर भिवंडी हज़रत मौलाना फखरुद्दीन हशमती साहब से आपने पूरी बात समाप्त कर ली। बात दरअसल ये है कि कुछ कहने की नहीं, आज छोटे छोटे लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, नुपुर शर्मा इसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, ये हमारे नबी पर बात करे या उनके घराने में किसी पर बात करे, उसकी ना कोई हैसियत है ना कुछ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफसोस होता है ऐसे जाहिल लोग, कम से कम इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए, तारीख को पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई बात कहनी चाहिए। जिस तरह से उनको बस न्यूज़ चैनल पर आना है, डिबेट करना है और थोड़ी सी किसी की शान में गंदे अल्फाज कहना है और उसके बाद फौरी तौर पर अपने आप को हाईलाइट करना है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब उनको जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं, जो मज़हब की राजनीति करते हैं, इनके पास जो लोग पलते हैं, जब इनको रोटियाँ बंद हो जाती हैं तब वो ऐसे काम करते हैं। जब ऐसे काम करते हैं तो जो फ़िरका परस्त जो तंजीमें होती हैं और ऐसी राजनीति करने वाले, फिर उनको रोटियां डालना शुरू करते हैं। उन्हीं में से एक नाम नुपुर शर्मा का है। ये तो अब अच्छी बात है, हमारे शहर के DCP कभी भी किसी मौके पर वो मौका देते हैं, बात करते हैं और उम्मीद दिलाते हैं कि काम हम अच्छा करेंगे, फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अभी उन्होंने 5 मिनट की गुफ्तगू में फौरी तौर पर ऑर्डर जारी किया कि ये जो अरकान या आए हुए जिम्मेदारान, फौरी तौर पर इनकी जानिब से FIR दर्ज की जाए और अब उसी के लिए हम आगे जा रहे हैं और इसके खिलाफ जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन।